एक अनाथ का जन्म, IMX इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर नंद कुमार ने कहा, पत्र प्राप्त करने के बाद मैं 2 दिन तक भोजन नहीं ले पाया। पहले सम्मेलन का आयोजन करने के लिए, जब संस्थान में इसके लिए कोई बुनियादी ढांचा नहीं था, सभी श्रम साध प्रयासों के बाद तो यही आपको प्रोत्साहन मिलता है। मुझे चारों ओर भागना था और ब्रोशर के प्रिंटिंग, प्रतिनिधियों को बुलाना, पंजीकरण शुल्क लेना, बिलों का भुगतान करना, पेशेवर निकाय प्रोफेशनल सोसाइटी बनाना आदि सब कुछ के लिए जवाबदेह था, और निर्देशक केवल सवाल पूछने और अनुमति देने से इनकार करने के लिए थे। अगर परियोजना प्रबंधक, प्रोजेक्ट मैनेजर और मुख्य प्रशासन अधिकारी, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मेरे अच्छे दोस्त नहीं होते तो सम्मेलन हो ही नहीं पाता, और उस पर तुर्रा यह कि वह निदेशक उन चीज़ों के लिए अपमानित महसूस कर रहे थे जो मेरे स्मरण में मैंने किया ही नहीं था। फिर आगे कभी नहीं मैंने कसम खा ली, उन्होंने बात खत्म की। उत्पत्ति। सम्मेलन की उत्पत्ति पहली संकाय विकास कार्यक्रम थी। IMX 10 साल पुराना हो चुका था। उसके पास प्रबंधन विकास कार्यक्रमों, MDP, सम्मेलनों, कॉन्फ्रेंस इत्यादि के लिए कोई नियमित बुनियादी ढांचा नहीं था। यह 18 सीट वाले व्याख्यान कक्ष और 20 कमरों वाले चलताऊ बोर्डिंग लॉन्जिंग सुविधा वाले गेस्ट हाउस से काम चल रहा था के साथ काम कर रहा था। निदेशक के खिलाफ संकाय और कर्मचारियों द्वारा एक बड़ी हड़ताल के बाद, जिसमें प्रोफेसर नंद कुमार ने किसी का भी पक्ष लेने से मना कर दिया था, निदेशक प्रोफेसर प्रसाद केवल 120 MBA छात्रों के बैच से खुश थे, जिसमें पिछले 7 सालों से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। अगस्त 1994 के आसपास प्रोफेसर प्रसाद को AIMS के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अप्रैल 1995 में AIMS ने MCCMS कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसंधान संकाय विकास कार्यक्रम आदि के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए। निदेशक ने प्रोफेसर नंद कुमार को कुछ प्रस्ताव देने के लिए कहा। बाद में एक सामरिक प्रबंधन पाठ्यक्रम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कोर्स कैसे शुरू किया जाए विषय पर संकाय विकास कार्यक्रम FDP के लिए एक प्रस्ताव बनाया, और कार्यक्रम 22 से 27 जनवरी 1996 से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 35 प्रतिभागी आए, जिनमें से आधे से ज़्यादा रीडर, प्रोफेसर, HOD, MBA अध्यक्ष आदि थे। उन्हें 20 प्रतिभागियों के लिए सुविधा में समावेशित एकोमोडेट करना था। किसी तरह प्रतिभागियों को कार्यक्रम की शैक्षणिक पद्धति पसंद आई, और कार्यक्रम के अंत में विदाई सत्र में उन्होंने एक कम लागत वाला मंच स्थापित करने का अनुरोध किया, जिससे वे अपने खर्च पर भी वर्ष में कम से कम एक बार कॉलेजिएट सिस्टम के माध्यम से खुद को अपडेट कर सकें। प्रोफेसर नंद कुमार इस तरह के एक अनुरोध पर थोड़ा शक पकाए, हटकर अपने PhD गाइड प्रोफेसर गणेश, जो स्वयं मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत एक अग्रणी प्रबंधन संस्थान के निदेशक थे, से संपर्क किया और पूछा कि क्या वे ऐसी पहल के लिए नेतृत्व प्रदान कर सकेंगे। उनकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया पर एक मंच तैयार करने का निर्णय लिया गया, जिसमें प्रोफेसर गणेश के अध्यक्ष और कार्यक्रम के एक प्रतिभागी प्रोफेसर विट्ठल को सचिव बनाया गया। यह भी निर्णय लिया गया 27 जनवरी 1997 को पहली सम्मेलन में होगा, विदाई दिन से ठीक एक वर्ष बाद। एक अन्य भागीदार, जो एक अग्रणी प्रबंधन संस्थान BIBM के एक वरिष्ठ प्रोफेसर थे, ने पहले सम्मेलन का आयोजन करने की पेशकश की। प्रोफेसर विट्ठल को दिल्ली में सोसाइटी में पंजीकृत बनाने और निकाय करना था, लेकिन अब जब प्रोफेसर गणेश ने अगस्त 1996 में BIBM संस्थान के निदेशक से संपर्क किया, तो उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने संस्थान IPXM में भी संभावनाओं का पता लगाया, लेकिन प्रबंधन विकास कार्यक्रमों का बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही उन दिनों की कुछ अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रतिबद्ध था। अवसर। प्रोफेसर प्रसाद ने प्रोफेसर नंद कुमार को AIMS के वार्षिक सम्मेलन जैसे सम्मेलन का आयोजन करने के लिए भी कहा। अक्टूबर 1996 में जब प्रोफेसर नंद कुमार को पता चला कि दूसरी संभावना भी ठीक नहीं हो सकती है, तो प्रोफेसर नंद कुमार को IMX को पहले सम्मेलन की मेज़बानी करने का मौका लगा। 20 साल पहले
1976 में मेरे शिक्षक प्रोफेसर सी के प्रहलाद ने उल्लेख किया था कि व्यावसायिक प्रोफेशनल उन्नति के लिए प्रत्येक एकेडमिक क्षेत्र डिसिप्लिन में संकाय सदस्यों को वर्ष में कम से कम एक बार अनुभवों का आदान प्रदान करना, उनका काम बांटना, संयुक्त अनुसंधान और साहित्य विकास, संकाय विकास आदि के लिए अन्य संस्थानों के संकाय सदस्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना चाहिए। चूंकि सम्मेलन का सुझाव जनवरी 1996 में संकाय विकास के सहभागियों के से उभरा था, इसलिए मैंने सोचा कि शायद सम्मेलन इस मंच को खड़ा करने में सहायता कर सके। जब निकाय के अध्यक्ष ने कठिनाइयों को व्यक्त किया तो मैंने इसे IMX में करने का विचार किया। मुझे आशा थी कि निर्देशक पूरे दिल से इसे समर्थन देंगे, क्योंकि उन्होंने एक सम्मेलन में आयोजन के लिए कहा था। लेकिन यह काम सम्मेलन करने की व्यवस्थाओं की संख्या, समाधान देने, स्पष्टीकरण प्रदान करने, निदेशक की अनुमतियों लेने और आवश्यक मदद से वंचित करने से बहुत ही कठिन साबित हुआ। खासकर इसलिए क्योंकि मैं अपने भारी शैक्षणिक भार, MDP और बोर्ड और अन्य प्रशासनिक कार्य के अलावा साहित्यिक विकास कार्यों में बुरी तरह उलझा हुआ था, प्रोफेसर नंद कुमार ने कहा। संभावना की तलाश। प्रोफेसर नंद कुमार ने 10 अक्टूबर 1996 को निर्देशक को एक पत्र भेजा और IMX में सामरिक प्रबंधन फोरम पहला वार्षिक सम्मेलन होने की संभावना हो सकती है। इसके लिए अनौपचारिक फोरम के अध्यक्ष को पत्र का मसौदा तैयार करके भी दे दिया। सोमवार 14 अक्टूबर को उन्हें निदेशक से एक नोट प्राप्त हुआ, जिसमें प्रतिनिधियों की अपेक्षित संख्या पूछी गई। साथ ही यह भी पूछा गया था कि नए व्याख्यान और भोजन कक्ष की उपलब्धता न होने की स्थिति में कॉन्फ्रेंस में रहने और खाने की क्या व्यवस्था होगी। प्रोफेसर नंद कुमार ने कहा, मुझे लगा कि अगर इस तरह से परिसर के निर्माण की प्रगति दर यही रही तो MBA प्रवेश में अगले साल भी बढ़ोतरी हो सकती है, जैसा कि उनके द्वारा बोर्ड की बैठक में बताया गया था, इसमें आशंका है। उनकी आशंका कुछ महीनों पहले तक परिसर की योजना और विकास समिति के सदस्य के रूप में परियोजना के काम की धीमी रफ्तार से बनी थी। MBA बैच प्रवेश 30 से बढ़कर 100 करते समय मात्र 25 दिनों में 120 सीटों वाले व्याख्यान कक्ष को पूरा होने के अनुभव प्रोफेसर नंद कुमार को विश्वास दिलाता था कि निर्माण तेज हो सकता है। उन्होंने विचार किया कि सम्मेलन आयोजित करने के लिए कुछ भवनों को पूरा करने में तेजी लाने से MBA बैच प्रवेश में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है, जो कि 7 साल से 120 के आसपास लटका हुआ था। व्यवस्थाएं। 16 अक्टूबर को प्रोफेसर नंद कुमार ने उत्तर दिया कि यदि सम्मेलन का आयोजन किया जाना था तो वैकल्पिक व्यवस्था किस प्रकार की जा सकती है। निदेशक आश्वस्त नहीं थे और महसूस करते थे कि कई काम चलाओ व्यवस्थाएं प्रस्तावित की जा रही थीं। चूँकि प्रोफेसर नंद कुमार अपने MDP में बहुत व्यस्त थे, निदेशक ने प्रोफेसर नंद कुमार को सभी संबंधित सदस्यों की सुविधा के अनुसार निदेशक, परियोजना प्रबंधक और CAO की बैठक की व्यवस्था करनी चाहिए। निदेशक के 17/10/96 के नोट के बाद प्रोफेसर नंद कुमार को भी CAO को से एक नोट मिला कि वे 18 से 27 अक्टूबर तक छुट्टी पर रहेंगे। प्रोफेसर नंद कुमार इससे बहुत नाराज़ हो गए और निदेशक को लिखा कि प्रशासनिक मामले को निदेशक आप ही सुलझाएं और उन्हें अंतिम निर्णय के बारे में सूचित किया जाए। उन्होंने परियोजना प्रबंधक और CAO को भी एक प्रति भेजकर उनकी राय मांगी। परियोजना प्रबंधक और CAO के उत्तर बहुत उत्साहजनक थे। प्रोफेसर नंद कुमार ने बोर्ड और कैंपस निर्माण समिति के सदस्य के रूप में उनके साथ काम किया था और वे आश्वस्त थे कि अगर इन दो लोगों ने अपना मन लगाया तो संस्थान सम्मेलन को सफलतापूर्वक कर सकता है। उन्होंने अपने विचार निदेशक को प्रेषित कर दिए। अग्रेषण करना। 11 नवंबर को प्रोफेसर नंद कुमार को पता चला कि फोरम के अध्यक्ष कार्यालय से पता चला कि प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, लेकिन IMX के निदेशक को कोई औपचारिक पत्र नहीं आया था। 14 नवंबर को याद दिलाने के बाद अध्यक्ष ने नंद कुमार को फैक्स द्वारा सहमति भेजी, लेकिन अफसोस के साथ कहा कि कोई भी संकाय सदस्य कोई जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। अन्य मॉड्यूल की जिम्मेदारी संभालने के लिए किसी अन्य संस्थान के संकाय सदस्य कोई पुष्टि नहीं हुई थी। इसका मतलब था कि मुझे अन्य व्यवस्थाओं के अलावा सभी 3 शैक्षिक मॉड्यूलों को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी भी लेनी होगी, प्रोफेसर नंद कुमार ने कहा। प्रोफेसर नंद कुमार ने फैक्स को निदेशक को प्रेषित किया
जिसमें नोट किया गया था कि यदि निदेशक आयोजन समिति के अध्यक्ष सहमत हों तो वह भी सम्मेलन का काम आगे बढ़ाने को तैयार हैं, वरना वह यह अध्याय यहीं समाप्त कर देंगे। निदेशक ने आयोजन सचिव और वित्तीय जिम्मेदारी के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। प्रोफेसर नंद कुमार आयोजन सचिव होने के लिए सहमत हो गए और कहा, सारा खर्च पंजीकरण शुल्क से ही वहन किया जाएगा। अंत में शुक्रवार 22 नवंबर को प्रोफेसर नंद कुमार ने इस अध्याय को बंद करने का फैसला किया। 26 नवंबर को सम्मेलन रद्द करने के बारे में भेजे जाने वाले फैक्स का मसौदा तैयार किया गया। यदि सोमवार 25 नवंबर तक निदेशक ने इस मामले पर निर्णय नहीं लिया तो अगला झटका 28 नवंबर को प्रोफेसर विट्ठल सचिव ने सम्मेलन की व्यवस्था के बारे में पूछताछ की। प्रोफेसर नंद कुमार ने एक उत्तर तैयार किया और निदेशक के अनुमोदन के लिए प्रेषित किया ताकि सम्मेलन के लिए ब्रोशर जारी किया जा सके। निदेशक कुछ शर्तों के अधीन इसे करने के लिए सहमति व्यक्त की। हालांकि वह संस्थान द्वारा पंजीकरण शुल्क प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए सहमत नहीं थे। इसका मतलब था कि फोरम के नाम पर एक बैंक का खाता खोला जाना होगा। इसके लिए यह आवश्यक था कि एक औपचारिक निकाय फॉर्मल सोसाइटी तेजी से बनाया जाए, परंतु दिसंबर के मध्य में सचिव ने फोरम को एक निकाय के रूप में पंजीकृत करवाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की और प्रोफेसर नंद कुमार को ऐसा करने के लिए कहा। प्रोफेसर नंद कुमार के मुंह से निकला, हे भगवान, अब यह कैसे करूं? फोरम का गठन। सौभाग्य से प्रोफेसर नंद कुमार कुछ साल पहले IMX के बोर्ड और सोसाइटी के सचिव रहते और सोसाइटी ज्ञापन की एक प्रति उनके पास थी। उन्होंने इसे एक नया निकाय बनाने के लिए संशोधित किया। समस्या थी कि अध्यक्ष के हस्ताक्षर कैसे प्राप्त करें, क्योंकि वह बहुत दूर थे। उन्होंने एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के कार्यकारी निदेशक, जिसके बारे में प्रोफेसर नंद कुमार ने एक केस स्टडी की थी, के साथ संपर्क करने की सलाह दी। वह एक दोस्त थे और इसके लिए सहमत हो गए। एक अन्य कंपनी के MD, जिसके लिए प्रोफेसर नंद कुमार ने एक परामर्श दिया था, कोषाध्यक्ष बनने पर सहमत हो गए। प्रोफेसर नंद कुमार सोसाइटी के सचिव बन गए। IMX के कुछ अन्य संकाय सदस्यों और पहले FDP के प्रतिभागियों ने सोसाइटी के गठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य सदस्य बन गए। IMX के निदेशक ने IMX को पंजीकृत कार्यालय का पता देने के लिए अनुमति देने से मना कर दिया, जबकि यह मुमकिन था। सौभाग्य से प्रोफेसर नंद कुमार का शहर में एक घर था जिसे पंजीकृत कार्यालय बनाया गया। निदेशक ने रजिस्ट्रेशन पेपर को तैयार करने और दाखिल करने में मदद करने के लिए अपने अनुभवी अधिकारी को मदद करने से मना कर दिया। आशंका के विपरीत रजिस्ट्रार कार्यालय से कोई भी अड़चन नहीं हुई और दो हफ्ते बाद फोरम को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत कर दिया गया। सम्मेलन प्रोजेक्ट मैनेजर ने डाइनिंग हॉल पूरा होने में तेजी लाने के लिए भरपूर सहायता की और अंतिम समय तक भोजन कक्ष में दरवाजा और खिड़कियां लगाई गईं। छात्रों के छात्रावास में 30 कमरे भी सम्मेलन के प्रारंभ से पहले पूरे हो गए। CEO ने भी पूरी मदद की। सम्मेलन में विभिन्न प्रबंधन स्कूलों के 45 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एक प्रतिनिधि लेखक द्वारा सामरिक प्रबंधन पर एक पुस्तक जारी की गई। प्रोफेसर नंद कुमार अपनी पिछले साल प्रकाशित केस बुक का इंस्ट्रक्टर मैनुअल, जिसका पहले FDP के प्रतिभागियों ने अनुरोध किया था, भी पूरा कर जारी किया। कुछ प्रबंध संस्थानों के निदेशकों और विश्वविद्यालय के कुलपति भी सम्मेलन में भाग लेने आए। अंतिम दिन फोरम के नए पदाधिकारियों के लिए चुनाव आयोजित किया गया। दुर्भाग्य से किसी ने भी किसी भी पद के लिए IMX निदेशक के नाम का प्रस्ताव नहीं किया। मैंने भी नहीं, क्योंकि मैं आगे निदेशक के अनुरोध पर कोई भी शैक्षणिक कार्यक्रम करना नहीं चाहता था। एक अनुभव जीवन भर के लिए बहुत बड़ा सबक था, प्रोफेसर नंद कुमार ने कहा। निदेशक प्रोफेसर नंद कुमार ने पत्र पर टिप्पणी करते हुए कहा, मैं बेहद दुखी हुआ था, लेकिन खुश भी था कि अब MBA छात्रावास के कम से कम 160 कमरे और भोजन कक्ष का परिचालन सुनिश्चित हो गया और MBA में प्रवेश बढ़कर 180 हो जाएगा, जो 7 साल तक 120 के आसपास लटका था। उन्होंने कहा कि एक इमारत को पूरा करने के लिए एक शैक्षणिक कार्यक्रम उद्घाटन करने का अनुभव मेरे लिए एक बड़ा सबक था।
जिसने मुझे एक अन्य संस्थान के निर्माण को पूरा करने में मदद की जो अधर में लटक गया था जब मैं वहाँ निर्देशक बनकर गया था। प्रोफेसर नंद कुमार ने कहा, मेरे विषय क्षेत्र में संकाय सदस्यों की वार्षिक बातचीत के लिए मंच का गठन के साथ मेरा 20 साल पुराना एक सपना भी साकार हो गया। प्रोफेसर नंद कुमार ने कहा, IMX में 2001 तक कोई और सम्मेलन नहीं आयोजित हुआ। सन 2001 का सम्मेलन भी फोरम के तत्वावधान में आयोजित किया था, लेकिन यह एक और कहानी है। प्रोफेसर नंद कुमार मुस्कुराए। यदि सम्मेलन का आयोजन करना संभव था तो निदेशक को पहली जगह में क्यों स्वीकृति नहीं मिली? क्यों दोनों का दिल दुखा? क्या यह परिहार्य था? अगले 4 सालों में कोई अन्य सम्मेलन क्यों नहीं आयोजित किया गया? क्या फोरम बच पाएगा? क्या समाज में ऐसे अनाथ संगठनों की भी कोई भूमिका है? ये कुछ सवाल थे जो सेवानिवृत्ति के बाद भी डॉक्टर नंद कुमार को बेहद परेशान करते रहे थे।